जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है वो करनी है। हाय सबको, पहले तो नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। फटाफट आप लोग लाइव ज्वाइन करिए तो मैं बताती हूँ मैं किस काम से आई हूँ, क्या बात अचानक से मैं लाइव आ गई, आई नो बिकॉज, और इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरी जो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि आई एम सॉरी मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मैं अभी मैसेजेस नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल में ये देख रही हूँ कि मुझसे ना लोगों ने ये बोला कि लोगों का ये क्वेश्चन है, मतलब मैंने कल एक पोस्ट डाला भी रिसेंटली, मैं सभी जानते हैं कि खेसारी जी की बेटी पे गाना गाया गया, और फिर मैंने एक पोस्ट लिखा बेटी के लिए। तो मैं पहले बात तो ये क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी की बेटी के लिए कुछ कहना इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब मैंने कुछ कहा, चलिए ठीक है मैंने कहा, तो लोगों ने उस चीज़ पर, मैं अभी रिसेंटली एक है एक मतलब एक एक पोस्ट डाला एक इंसान ने, मैं नाम नहीं लूँगी, और उनका उनके पोस्ट पे मैंने एक कमेंट किया, उस कमेंट पे एक रिप्लाई पढ़ा मैंने, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, तो कमेंट तो मुझे आते ही जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। मैं उस चीज़ के लिए बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं ये बात कहने आई हूँ कि उस पे ऐसा कुछ लिखा था कि जब लोगों ने गाया भोजपुरी के लिए, हम सॉरी भोजपुरी कह रहे हैं, राजपूत या पता नहीं किसके लिए क्या गाना गाया, मुझे पहले का कुछ नहीं पता, देखिए मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि किसके लिए पहले गाना गाया गया या क्या किया गया। आई सीरियसली, मेरी हार्श लैंग्वेज लगेगी है, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, यू नो दिस, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे क्या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी देयर इज़ दिस थिंग कि हमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यार ये होता है, ये बुद्धि है, इसको खाली भेजा है क्या आप लोगों के यहाँ पे लोगों ने? राजपूत कौन होते हैं? मैं शतराणी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा इतिहास गवाह है कि राजपूत वो हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं, जो जुबान के पक्के होते हैं, जो कितना भी मतलब कितने भी बुरे हो जाए किसी औरत के लिए कभी कुछ नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। पर प्लीज ट्रस्ट मी, जो लोग किसी के सपोर्टर हैं और वो लोग अगर अपने आप को राजपूत बोलते हैं, तो भाई साहब यू आर नॉट अ राजपूत, आप क्षत्रिय के नाम पे बिल्कुल कलंक हैं। सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप ही लोग किसी और राजपूत लड़की के कमेंट्स पे आकर के गालियां जब लिखते हो, तब नहीं आपको किसी के समझ में आता है, और वो लड़की भी राजपूत है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, ठीक है। आप लोग कैसे राजपूत हो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे राजपूत हो, मतलब किसी की बेटी के लिए गाना गाने के लिए आप लोग राजपूत 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 का डंडा बजाते हो, क्या राजपूत हो आप? हाँ, काय का राजपूत, काय की राजपूताना, क्षत्रिय होना सिर्फ गाली गलौज करना, और ये बेवकूफ नहीं होते हैं? पता है आप लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हो ना, जो क्षत्रिय समाज, पहली बात तो एक आर्टिस्ट का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। ये जो जातिवाद चल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि किसने शुरू किया किसने नहीं, मतलब किसी ने शुरू किया अगर, मतलब ये तो वही बात हो रही है, अगर कोई मतलब एक प्लेट में किसी ने किसी कोई गू खाया, तो आप लोग प्लेट में सजा के गू खाओगे, है ना, विद चम्मच और गार्निश करके स्पेशली, इज इट? राजपूत और ये तो कोई कुछ बता दे रहा है, मतलब यार भाई साहब आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग गाली देते हो किसी को तो नहीं समझ में आता, तब आप लोग राजपूत नहीं हो। मेरे ही कितने कमेंट पे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, एक बंदा कल लिखता है कि तुम्हारे भतार का गाना नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्रदर? हाँ, आपको पता है कि मानहानि नाम की एक चीज होती है, अगर मैंने आपके बारे में पता किया और मैंने अगर मानहानि लगाई, तो आप बैठे बैठा है बिक जाओगे भाई साहब, ऐसे नहीं करते।
एक 12-13 साल की बच्ची के लिए आप गाना गाओगे, उसके बाद इफ पीपल आर सपोर्टिंग, अगर कोई सपोर्ट कर रहा तो आप गाली दे रहे हो उसको? यार ठीक है, हम समझते हैं, मैं समझती हूँ कि आप किसी के फैन हो, आप किसी के भी फैन हो यार, किसी के भी फैन हो, फैन मतलब सिर्फ पागल नहीं होता, भेड़ बकरी चाले नहीं करनी है कि हमारा मतलब, इवन मैं भी किसी की फैन हूँ, मतलब इस इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही हूँ, मैं भी एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड में, मैं भी दीपिका पादुकोण की फैन हूँ, बट एक पॉइंट पे जहाँ पे वो गलत थी मैं उनका साथ नहीं दे रही थी उस पॉइंट पे, मतलब मैं एज अ फैन उनके लिए कोई कुछ गलत कह रहा तो मैं गालियाँ नहीं दे रही थी, मैं गालियाँ नहीं उस आदमी को दे रही थी, मैं अग्री कर रही थी। थोड़ा तो एक समझदार लोगों की तरह, एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह बिहेव करो, क्यों जाहिलता पे आ रहे हो? पता है जिस तरह का बिहेवियर आप लोग कर रहे हो ना, एक जाहिल अनपढ़ गंवार लोग ऐसा करते हैं, सीरियसली ऐसा ये लोग, कोई एक सिविलाइज्ड इंसान नहीं करता है, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कहते नहीं समझदार इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है। मतलब किसी ने कुछ किया तो आप कमेंट पे लिख के दे रहे हो क्यों? और अगर मैंने ये सपोर्ट कर दिया, ठीक है, हाँ भाई मेरे अंदर है दम तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, बाकी कर ले ना सबको आज के, पता है जब तक नहीं, एक कहावत है हमारे बड़े बुजुर्ग कह के निकले हैं कि ये कहे हैं कि जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं है ना तब तक समझ नहीं आता, जब तक अपने ऊपर बीतेगी नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये पहली मैं बात कह रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ एक इंसान हो। पता है हम में और इंसान में ना सिर्फ फ़र्क ये, हम में और इंसान में फ़र्क बोलने का नहीं होता है, बोलने का फ़र्क नहीं होता है कि हम बोल पाते हैं और जानवर बोल नहीं पाते हैं, हम में और जानवर में फ़र्क इस चीज़ का नहीं, सॉरी हम में और जानवर में फ़र्क सिर्फ इतना नहीं है कि हम बोल पाते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी हरकतों से बोल पाते हैं हम में और, बल्कि असल ये चीज़ है कि हम में और जानवरों में फ़र्क ज़ुबान का होता है, हम ज़ुबान दे सकते हैं वो ज़ुबान दे नहीं पाते। तो यार जानवर मत बनो ना, इंसान इंसान बनो, ठीक है भाई अब हम समझ रहे हैं आप किसी के फ़ैन हैं, हम सब लोग माफ़ी मांगते हैं, हम सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। फिर आप किसी और लड़की के जस्ट बिकॉज, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस हो, कोई भी एक्ट्रेस हो यार, एक्ट्रेस हो या लड़की की इज्जत करना क्या इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा टास्क है क्या? हम किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं ना वो हमारे संस्कार दिखाता है, हमारे संस्कार है, हमारी परवरिश दिखाता है। आप आज जो गाली गलौज कर रहे हो किसी की, उस पे आकर के गालियाँ दे रहे हो, मतलब बहुत गलत गलत, मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से, मतलब यार ये तो फैक्ट है। और कोई कहता है कि पवन सिंह तुमको बहुत गलत गाली लिख करके पवन सिंह तुमको वो नहीं देंगे, यार आप कहाँ से कहाँ की बात ले आ रहे हो, कहाँ से कहाँ की बात, क्या करते हो, आपको समझ में आता है? किसी ने गाना गाया, अरे यार आपको लड़ना है ना, मैं कहती हूँ आपको लड़ना है ना, स्टिल पीपल आर अब्यूजिंग, सीरियसली यार तुम्हें मालूम है गाली कौन देता है? जो बुजदिल होता है, कायर होता है, वो गालियां देता है। और आप जब आप लोग गाली देते हो ना तो मुझे लगता है हाय भगवान कितने फट्टू हो यार, कितने फट्टू हो आप, हमें गाली दे सकते हो। और एक बात पता है आपको, एक कड़वा सच, ये जो आप, अगर आप औरतों को गाली दे रहे हो ना, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है ये बात, मेरी बात, इस बात से मेरी हर एक औरत अग्री करेगी कि शायद हिंदुस्तान की औरतों को ना सबसे ज़्यादा गाली सुनने का सहनशीलता है। क्योंकि क्या है ना, हिंदुस्तान में हमेशा से औरतों को ही गाली दी जाती है, वो चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उन पे ही गाली बनी है। तो भाई साहब आप मेरा कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमें गाली दे करके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट आप अपनी परवरिश, अपने कर्म खराब कर रहे हो। पता है आप गलत गलत बातें बोलते हो किसी को, कुछ करते हो। और आप लोग ना जब कहते हो ना कि भोजपुरी आगे नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो, कभी अच्छी चीज को सपोर्ट किए हो क्या, हैं? कभी किया है अच्छे गानों को सपोर्ट? बहुत सारे अच्छे गाने, मैं हमेशा नाम लेती आई हूँ, निरहुआ सर का इतना अच्छा गाना है, निरहुआ आम्रपाली मैम का इतना प्यारा गाना है, वो हिंदी म्यूजिक पर एक भोजपुरी गाना बना है, निरहुआ सर का ही शेर हिंदुस्तान का गाना है, उसको कितना, जाइए जाकर के देखिए, मैं गाना का नाम बता रही हूँ आपको, चेहरा तोहार और एक गाना है प्रेम प्याला, दोनों गानों को जाकर के देखिए कितने व्यूज हैं,
और आप किस गानों को व्यूज देते हो जिसमें आ उ आ कर रखा हो, बस वो गाने चल जा रहे हैं। आप लोग किसको सपोर्ट करते हो? हमेशा गलत कलाकार नहीं तो, और कलाकार नहीं जाती बात कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो आप लोग भी तो उसको सपोर्ट करो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपकी क्या वैल्यू है? जनता मतलब भगवान है आप लोग, हम लोगों के लिए। आप ना, आप फकीर को अमीर, अमीर को फकीर बना सकते हो, इतनी दम रखते हो आप लोग, और आप ही लोग ऐसी बातें करोगे, ऐसी समझ दिखाओगे, क्या ये सही है? आप बताइए। ठीक है, मुझे आप लोग गाली दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी गाली देनी है ओके फाइन आप गाली दीजिए, पर मुझे जितने संस्कार मिले, जो मुझे सिखाया गया है, वो असली राजपूत जो मर्द है, मर्द वो नहीं जो औरत को देखे, औरत को पैरों की जूती मानने वाला या गाली देने वाला वही मर्द होता है जो मोची होता है। जो असली बादशाह होता है ना, वो औरत को सर का मुकुट बनाकर रखता है। तो अगर असली मर्द है तो वो चाहे आप पंडित हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे यादव हैं, चाहे और भी जितनी भी, मैं तो इतने लोगों को, मैं इतने जाते भी नहीं जानती हूँ यार, मैं तो मतलब जो भी है, जो भी हैं, लाइक सीरियसली जो भी हैं, अगर असली मर्द है ना तो औरत को इज्जत दे करके देखो, उस दिन खुद में खुद को अच्छा लगेगा, खुद को लगेगा कि हाँ यार माँ ने, हमारी माँ ने एक मर्द को पैदा किया था। ये क्या तरीका है एक 12-13 साल की बच्ची के लिए गाना गा रहे हो यार? You people are out of mind. वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही हो रहा है। टारगेट करना है तो जो इंडस्ट्री में उसके साथ करो। हाँ, फिर लोगों को कहता है काम मिल रहा है, हाँ तो मिल रहा है, यहाँ काम ही करने आया ना, काम ही करने आया ना, तब कहाँ थे आप लोग जब मैं काम कर रही थी? तब तो नहीं आया कोई भी यार। हाँ मिल रहा है काम, काम मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। मैं बहुत ओपनली ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने किया था एक दिन शपथ का शूट, क्या मिला मुझे उससे? आप लोग जिस, आप इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो आप लोग कि मुझे, मैं तुमको तो यार, मैं तो पता है मैं भी बहुत गालियां देती हूँ भाई साहब, बट आई कांट अब्यूज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज वो एथिक्स नहीं मिले मुझे, वो संस्कार ही नहीं दिए। किया था मैंने एक बार शूट, किया था मैंने फिल्म शूट, क्या नाम मिला मेरे को, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, कभी आइए जितने लोग जो बोलते हो ना, आओ आ जाओ यहाँ खड़े हो, बताती हूँ एक्टिंग क्या होती है। मैं पहली और आखिरी बार, मैं कभी ये सब स्टूपिडिटी में नहीं आती हूँ, बट मुझे मतलब पता है इतने मैसेजेस ऐसे ऐसे आ रहे थे ना, तो आई वाज लाइक माय वर्ड, मतलब ऐसा हो गया कि भाई क्या है ये तुम लोगों का, पागल हो गए हो क्या? मेरी आप लोगों से ये विनती है कि प्लीज 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 प्लीज, गाली देनी है गाली दो, देखो गाली देके मेरा कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट गिव अ, यस एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में आया, मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं करोगे आप, किसी को भी कुछ नहीं करोगे यार, किसी का भी कुछ नहीं उखड़ेगा। देखो एक बात बहुत सिंपल सी है, पत्थर हमेशा पेड़ पे लगे फल को मारते, जमीन पे कभी कोई पत्थर नहीं मारते दिखा है, और आप अगर पत्थर मार रहे हो ना तो देखो किसको मार रहे हो, जाने दो। लेकिन एक बात आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग इंडस्ट्री के लिए अच्छा कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, अदरवाइज खराब मत करिए प्लीज। ये जातिवाद और ये सारी चीजें ना पॉलिटिक्स में अच्छी वो कॉल आ गया था, तो ये जातिवाद, ये जातिवाद और ये सॉरी वो कॉल आ गया था सॉरी तो हाँ, तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ सब कलाकार है, करने दीजिए काम सबको। क्यों क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर रखा है, क्यों यार? मतलब अब पता है ऐसा हो गया है कि भोजपुरी में शायद सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी करके नाम हो सकता है, आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो आप बहुत ऊंचे हो जाओगे, काम मैटर ही नहीं करता। इसीलिए शायद हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मैटर ही नहीं करता कि कौन अच्छा एक्टर है कौन बुरा एक्टर है, ये सब मैटर ही नहीं करता। आप लोग क्या कलाकार नहीं पहचान सकते? और कलाकार में अच्छा मैं कहती हूँ ठीक है, कलाकार खुद जातिवादी कर, तो आप मत सपोर्ट करो ना, आप उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो। अंधभक्त बनना जरूरी है क्या?
आपसे हम है, हमसे आप नहीं हो, आप ये बात कब समझोगे? बी इट खेसारी जी, बी इट पवन जी, बी इट दिनेश जी, बी इट कल्लू जी, रितेश जी, समर जी और कोई भी हो, ये सब आपसे हैं, आप उनसे नहीं हो। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो वो लोग भी नहीं रह सकते। तो आप लोग, तो आप अगर अच्छा करोगे, आप लोग अगर बोलोगे कि आप लोग सपोर्ट करना गलत पे बंद कर दोगे, तो खुद ही गलत करना बंद कर देंगे ना, चाहे जो भी कर रहा है। मैं तो मैं